हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएम लखनऊ काइट्स। और दोस्तों, वीएम लखनऊ काइट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, आज बहुत ही यूनिक वीडियो है, अनबॉक्सिंग है। और ये अनबॉक्सिंग जो होगी पतंगों की, ये होगी आशियाना काइट क्लब के सीनियर मेंबर राज सर के द्वारा और आशियाना ही काइट क्लब के एक और सीनियर मेंबर असद जी के द्वारा। और एक पतंगों की अनबॉक्सिंग करेंगे स्पीड काइट क्लब के कैप्टन ताबिश सर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अट्रैक्टिव वीडियो है, एक से एक बेहतरीन पतंगे आपको देखने को मिलेंगी। और ये सभी मिलेगा आपको शालू काइट जोन पे। तो वीडियो पे बने रहिए, दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, अभी आपको मैं एक अनबॉक्सिंग दिखाने जा रहा हूं, जो मैंने अभी वीडियो डाला था। पिछला वीडियो मेरा था शालू काइट जोन के नाम से था, और मैंने बताया था उसमें कि ये शॉप नहीं है, पतंग का एक खजाना है। और एक से एक नायाब पतंगे और एक से एक बेहतरीन मंजे आपको यहां पे मिलेंगे। तो उसकी जो आज अनबॉक्सिंग है वो मैं दिखाऊंगा, किसके द्वारा हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा और उनसे मिलवाऊंगा अभी। तो सर की तरफ हमारा कैमरा करिए सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या गुड नेम है आपका? मेरा नाम राज है सर, मैं आशियाना काइट क्लब से लड़ाता हूँ जी। प्रोफेशनली मैं रियल एस्टेट में हूँ, लेकिन ये मेरे लिए फन है और बहुत ही अच्छा गेम है, फिजिकली फिटनेस के लिए भी और काफी कुछ। मैं आपको इसको मदद करता हूँ, मैं पिछले करीबन 30 से 32 साल हो गए मुझे इसमें पतंगबाजी जी। तो सर, क्लब आपने कब ज्वाइन किया था लगभग? एक्चुअली ये मेरे बड़े भाई का ही क्लब है, जफराबा साहब का, जो एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं जी जी। और मैं इसको तकरीबन 22 साल हो गए मुझे इसको ऑपरेट करते हुए। पहले एज ए कैप्टन था, अब हमारे कैप्टन शालू साहब और असद साहब हैं जी जी। बट इस समय हम लोग इसको करीबन 22 साल से तो अभी इसको चला रहे हैं। आशियाना काइट क्लब के सीनियर मेंबर है सर। तो सर, आपने जो कोई टूर्नामेंट जीते हैं तो उसके बारे में कुछ हमारे चैनल पे बताइए। लखनऊ महोत्सव एक मतलब मैंने जीता जी, हुआ है जी। और 3 साल मैंने कंटिन्यू लड़ाया है। एक हमारा ही क्लब है लखनऊ का आशियाना, जिसने 6 साल यूं कह लिए कंटोवा लगातार जीता है। हमने 3 साल लड़ाया है, 3 साल हमारे के समीर जी, जी राइट नाउ जो इस समय इसमें लड़ा रहे हैं आपके अंदर स्पीड में जी, वो लड़ा चुके हैं। और 1 साल में जीता हूँ, 2 साल में रनर अप। तो एक सर और सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे जानकारी चाहते हैं कि जैसे शॉप की ओपनिंग हो रही है यहाँ पे, तो जो प्रोफेशनल आप लोग जैसे लड़ाते हैं, क्लब फाइटर है, मैच होते हैं, तो क्या मंजे आप लोग डायरेक्ट मेकर से ही बनवाते हैं अपने लिए या कोई शॉपकीपर से लेते हैं? बेसिकली हम उनको बता देते हैं जी हमें इस तरीके इस पैटर्न, क्योंकि कुछ ऐसा लोगों में जब थोड़ा सा भ्रम है, तो उसी लिए मैं आपसे दूर करना चाहता हूँ कि जो जो फाइटर होते हैं क्लब फाइट से करते हैं, तो वो लोग अपने लिए स्पेशल मंजे बनवाते हैं अलग से, बिल्कुल और नॉर्मल शॉप से नहीं लेते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल बनवाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे वहाँ जाके खुद बनवाते हैं, बैठ के बनवाते हैं, बट हम लोग दुकानदारों से ले लेते क्योंकि इतना समय भी नहीं रहता जी। और हम लोगों के लिए मैंने कहा ना जैसे कि एक फन है जी जी, ना कि हम लोग इसको बहुत ज्यादा दूर से लड़ाते हैं। हमारे काफी ऐसे लोग हैं जिनसे शॉप से लेना भी लेना सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है जी। तो इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि सर के पास जो कलेक्शन है वो एक क्लास कलेक्शन है, एक क्लास। मैंने अभी तक मैं काफी पतंगबाजों को जानता हूँ और मैंने इतना अच्छा कलेक्शन कहीं नहीं देखा जितना अच्छा इनकी शॉप के ऊपर है शालू साहब की। हर कारीगर की पतंग है, हर कारीगर की डोर है और सब नंबर वन में है बेसिकली। हमने पतंगे बहुत ही देखी, आपको 20 पतंगे अच्छी मिलेंगी, उसके अंदर 20 डुप्लीकेट मिलेंगी, बट यहाँ ऐसी बात नहीं, क्योंकि जितनी गंदगियां देखी हूँ सब एक ही तरीके की, एक ही पैटर्न की, एक ही दर्जे की बनी हुई। सबसे अच्छा ये है कि जो कुछ भी है वो यहाँ पे नंबर वन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ सर। आप अपने चैनल पे मेरे नाम बताइए सर, क्या गुड नेम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद ताबिश है, स्पीड काइट क्लब का कैप्टन है जी। और ऑल इंडिया विनर 2021 जी। देखिए, ऑल इंडिया विनर है, स्पीड काइट क्लब के कैप्टन है और ताबिश भाई हमारे। तो सर आज अनबॉक्सिंग करेंगे, आप इधर दिखाइए सर जी। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left.
फर्रुखाबाद है। एक बार साल ऐसे गोली खा दी चली बता दी फर्रुखाबाद की। ये फर्रुखाबाद की हड्डी है अजीम भाई जी। तरफ आइए पास करते हैं। एक चौकर निकालते रहिए एक पास करते रहते हैं। शुभम की पतंग है फर्रुखाबाद। बहुत लजीज और अच्छी पतंग बनी हुई है। ये मनी भाई की पतंग है कोई? हाँ मनी भाई। नदीम साहब है कोई फर्रुखाबाद। बहुत जबरदस्त हड्डियाँ बनी हुई है। कितने के? मुरादाबाद की पतंग मेरठ की जो मुरादाबाद की मेरठ की दिखाइएगा राजा जी की। ये तो हड्डियां है जो मैं आपको कंकवा भी दिखा रहा हूँ। ये गेम चेंजर की पतंग है फर्रुखाबाद। गेम चेंजर ये देखिए ताबिता भदीम साहब का पौना। अच्छी गंगैया बनी हुई है। ये गोल करने में है ये जी। ये भी अजीम साहब का दूसरा फरमा है। सब बड़े पतंग की गंगैया मोहर नहीं है। ये रईस अहमद साहब की पतंग है फर्रुखाबाद। रईस साहब पूरा बैग फर्रुखाबाद का ही है। टोटल बैग फर्रुखाबाद फर्रुखाबाद का पतंग की जान ताबिस साहब जिसके आप दीवाने। ये शादाब कुरैशी की पतंग है मेरठ की। नसीम भैया ये नसीम भैया की पतंग है मेरठ। जी भैया सब नसीम भैया सब नसीम साहब की पतंग है। ये भैया देखिए ये भी शादाब कुरैशी। ये हड्डियाँ हैं मैं आपको पौना कानपुर। मुरली भाई की पतंग है कानपुर की। ये मुरादाबाद की दामोदर की पतंग है। ये वो पतंग है जो हर आदमी लड़ाना चाहता है। ये ग्लास कर गया। ये हमारे लखनऊ की सत्यव मौर्य। ये हमारे लखनऊ की शंकर की पतंग है। हर कारीगर की पतंग यहाँ पे अवेलेबल है चाहे वो लखनऊ का हो या मेरठ का या मुरादाबाद। ये हमारी इरशाद भाई ये पतंग है लखनऊ की। ये हमारे मेहताब की पतंग है मुरादाबाद की जी। जो मतलब भाई पतंग है लखनऊ। ये हमारे आशिक अली लखनऊ के लिए। ये हमारे भूरे भाई की पतंग है मुरादाबाद की। ये हमारे भूरे भाई का बड़ा फरमा है। ये हमारे गुड्डू भाई की है गुड्डू यासीन लखनऊ की। ये भी हमारे गुड्डू भाई यासीन। तो सर आपने देख रहे हैं कलेक्शन कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे कितने सारे ब्रांड? बहुत अच्छा बहुत शानदार कलेक्शन है इनका। ओपनिंग के हिसाब से मतलब ओपनिंग में ऐसी पतंगें लाना बहुत बड़ी बात है।
और सारी वैरायटी इनके पास है, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ और फर्रुखाबाद, कानपुर और भी जहाँ जहाँ की होगी, कलकत्ता की भी इनके पास आने वाली है जी। लमसम सारा कलेक्शन इनके पास मिलेगा शालू काइट जोन में जी। तो जैसा आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लगभग बहुत बड़ा कलेक्शन है, सारे ब्रांड है और सर से आप डायरेक्ट सुन रहे हैं जो सर कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कलेक्शन आपको जो ओपनिंग के टाइम पे देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। तो अभी मैं आप चैनल पे बने रहिएगा और मैं आपको इनके ओनर से भी शालू भाई से भी मिलवाता हूँ अभी आपको। तो जैसा मैंने कहा था मैं मिलवाने जा रहा हूँ, सर हमारे सामने खड़े हैं, यही शालू सर है जिनकी ये शॉप है शालू काइट जोन के नाम से जी। सर क्या कहना चाहेंगे सर चैनल पे बताइए सर। सर क्या कहना चाहेंगे, कल ओपनिंग है सर जी, कल ओपनिंग है जी, उत्साह बहुत है जी, बिल्कुल उत्साह होगा और काम भी बहुत सारा होगा आप देख ही रहे हैं। उस काम के बीच में जो सर ने समय निकाला है, ये अनबॉक्सिंग जो हो रही थी आज दिखाई जा रही है आपको, तो कल कितने बजे सर हम आप उसकी कल रिबन कटिंग है, कल रिबन कटिंग जो 10:30 AM का टाइम रखा गया है जी। हाँ उस्ताद आगा जो है जी वो रिबन काटेंगे उसका इंशाल्लाह, कल सुबह होगी जी जी। तो उस्ताद के हाथों से वो इसकी रिबन कटिंग होगी 10:30 बजे और आप लोग कोशिश करिएगा जो लखनऊ से हो वो प्लीज यहाँ पे गोलागंज में सर की शॉप है, लखनऊ के सभी जितने भी शौकीन हैं, काइट शौकीन हैं और जितने भी लखनऊ के काइट क्लब्स हैं उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार आए, जरूर आए और आकर के यहाँ कम से कम कलेक्शन देखें हमारा। और मेन जो मोटिव है वो ये लेकर चले हैं कि डुप्लीकेसी के जमाने में सारी चीजें ओरिजिनल रखनी है और ओरिजिनल बेचनी है, ओरिजिनल का पैसा दें तो चीज ओरिजिनल लेने की ही कोशिश करें और अच्छी जगह से लेने की कोशिश करें, ओरिजिनल पैसा दे करके डुप्लीकेट चीज ना लें। तो एक बार शालू गाइड रोल में आप लोग जरूर आए। सर आप किस क्लब से लड़ाते हैं ये जी? आशियाना काइट क्लब, आशियाना काइट क्लब से। आप सर जो है आशियाना काइट क्लब के कैप्टन, घर का ही क्लब है हमारे, घर का ही क्लब है, सभी हम लोग सब कैप्टन है, सब फैमिली मेंबर है सभी कैप्टन जी जी बिल्कुल। तो जैसा हमारे तावेज भाई ने कहा था आपने देखा और आज सर कहाँ गए जी, सर ने भी कहा था कि ये जो कलेक्शन है यहाँ पे आप लोग जरूर आइए एक बार क्योंकि बेहतरीन कलेक्शन है, नायाब है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये पतंगों की शॉप नहीं, पतंगों का खजाना है सर। तो जब सर ये इतने बड़े बड़े सीनियर महान महान हस्तियां आए पतंग की दुनिया की, जब इन लोग से पूछिए आप पैसा जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये इस कलेक्शन के बारे में आप सर आकर क्या कहना चाहेंगे बताइए सर। अमेजिंग अमेजिंग, हम यही कहना चाहेंगे जबरदस्त कलेक्शन है और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और हर तरीके की पतंग, हर ब्रांड की पतंग, हर वैरायटी भी आपको यहाँ पे मिल रही है। रील आपको अच्छी मिल रही है, अभी आधी पून आया है ये भी अच्छा है और छोटे भाई हैं हमारे और तरफ। सर जैसा बता रहे कि आज टून आया है तो मैं एक छोटा सा आपको क्लिप टून का भी दिखाता हूँ, अभी चैनल पे बने रहिएगा और सर के हाथों से ही उसकी भी अनबॉक्सिंग करवाता हूँ। पहले तक तो ये सर देखिए हमारे साथ खड़े हैं सर, क्या बुलाने में आपका? असद हुसैन जैदी जी है हमारे सामने, आशियाना काइट क्लब के सीनियर खिलाड़ी है सर और सर के हाथों आज इसकी जो है अनबॉक्सिंग होगी टून की। इधर सर भी बहुत आमिर ये टून है जी, ये चार नंबर है, ये बनने का चार नंबर टून, ये देखिए अलग अलग नंबर है, चार नंबर है, तीन नंबर है, एक सर खोल दिए बाकी रह दी गई, कैसे खोल दिए? बनने स्पेशल टून, बनने का स्पेशल, बनने का स्पेशल टून है ये, बनने स्पेशल के नाम से जी, बनने स्पेशल के नाम से जो है, नॉर्मल आता है मगर हम नॉर्मल बनने स्पेशल है, ये चार नंबर जी। देखिए मैं टून देखिए कैसा है, टून बहुत ही शानदार टून है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है और हम लोग देंगे इसको देखेंगे, जो प्लेयर हैं जो लड़ाने वाले हैं वो इसको जान सकते हैं। आज हमारे चैनल पर सिर्फ सीनियर खिलाड़ी ही देखिए बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो भी बताएंगे सर लोग बता रहे हैं। तो इसमें बनने हैं और गुड्डू गुड्डू का है, आपका सलमान का, ये सलमान का है, ये ब्लैक कलर है इसमें आया है, ये भी बहुत अच्छा, इसकी भी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, ये देखिए ब्लैक कलर का ये है जी। ये सलमान का है और इसकी भी ग्रिप बहुत अच्छी है जी। ये कितने नंबर है सर? ये भी चार नंबर है। जी। इसके अलावा ये एक गुड्डू का है 3 नंबर जी, ये देखिए पिंक कलर का है, ये गुड्डू का है, ये 3 नंबर
इसकी भी डिमांड बहुत रहती है, जो आजकल के नए लड़के खींच के लड़ाते हैं बहुत पतंग छोटे पेज जी। उसके लिए तो सून का सर हाँ क्या यूज होता है सर? सून का ये एक मजबूत धागा होता है, और दूसरी चीज ये है कि जो छोटे पेज लड़ाते हैं ताकत के पेज, तो वो इसको पीछे बांध के मंजे के डायरेक्ट पीछे बांधा जाता है, या कुछ बीच में थोड़ी बीच में थोड़ी सी सफेद वाली जो सद्दी होती है वो बांधी जाती है उसके पीछे, ये ग्रिप के लिए इसकी ग्रिप अच्छी रहती है और ये हाथ नहीं फंसता है जी। बिल्कुल।